For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Hello guys, this is Jyoti Nahak and welcome to Movies Adda. Guys, Hrithik Roshan पर एक के बाद एक कोई ना कोई controversy लगातार बनी हुई है और इसके वजह से Hrithik Roshan लगातार limelight में भी हैं और controversy से भी लगातार जुड़े हुए हैं. Well, सबसे पहले बात करना चाहूंगी मैं, ऑफकोर्स एवर गोइंग कॉन्ट्रोवर्सी है कंगना रनौत और ऋतिक रोशन की. जिस तरीके से ये मामला हर रोज एक नया स्टेप लेता है, कभी शांत हो जाता है, फिर कभी चालू हो जाता है, उसके बाद आता है एक तरीके से सुपर 30 भी बहुत जल्द रिलीज होने वाली है. एक रियल लाइफ स्टोरी है, मैथमेटिशियन आनंद कुमार के ऊपर बेस्ड ये कहानी है, जिसको लेकर बस बहुत ज्यादा है और उसको लेकर भी ऋतिक रोशन उसको हाल ही में प्रमोट कर रहे हैं काफी ज्यादा. लेकिन अब एक और प्रॉब्लम है जो ऋतिक रोशन के साथ जुड़ गई है और वो प्रॉब्लम है एक शख्स ने ऋतिक रोशन पर धोखाधड़ी का केस फाइल किया है. यस, और ये शख्स है एक कस्टमर है जो कि एक स्टार्टअप कंपनी, एक हेल्थ एंड फिटनेस पे बेस्ड एक स्टार्टअप कंपनी थी जिनके ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन को बनाया गया था. और उस कंपनी के 3 लोगों पर ये केस फाइल किया गया है धोखाधड़ी का, जहां पर उस शख्स का, उस कस्टमर का ये कहना है कि जिस हिसाब से प्रोमिसेस किए गए थे उस हिसाब से सर्विसेज नहीं दी जा रही हैं, उन्हें रेगुलर बेसिस पर क्लासेस दी जाएंगी ये कहा गया था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है. इस तरह के तमाम इल्ज़ाम लगाए हैं और साथ ही साथ ऋतिक रोशन पर भी इल्ज़ाम लगाया है कि क्योंकि उस ब्रांड को इंडोर्स कर रहे हैं, उस स्टार्टअप को सपोर्ट करते हुए ऋतिक रोशन है, तो एक तरीके से उस शख्स ने ऋतिक रोशन पर भी इल्ज़ाम लगाया है इस बात का. उसके अलावा दोस्तों, अगर मैं कंपनी की बात करूँ जिस कंपनी पर इल्ज़ाम लगाया गया है, वो एक स्टार्टअप कंपनी है, हेल्थ एंड फिटनेस पे बेस्ड है वो कंपनी, और उस कंपनी के 3 अधिकारियों पर ये इल्ज़ाम है. और वो जो कंपनी है वो अपनी तरफ से ऋतिक रोशन को सपोर्ट कर रही है कि इस जो भी गलती हुई है या मिस्टेक हुई है उसमें ऋतिक रोशन का कोई हाथ नहीं है. इस तरीके से तमाम जो है चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो रही हैं. लेकिन क्योंकि सेलिब्रिटीज़ जो है, ये हमेशा से देखा गया है, सेलिब्रिटीज़ जब किसी चीज़ को एंडोर्स करते हैं कहीं ना कहीं उनकी फेस वैल्यू उस चीज़ से जुड़ जाती है, जिसकी वजह से कोई भी नुकसान अगर किसी कस्टमर को होता है तो कंपनी से पहले उस स्टार पर से भरोसा डगमगा जाता है, उस इंसान का, उस कस्टमर का. ऐसा ही कुछ इस सिचुएशन में हुआ है. लेकिन आपको क्या लगता है, क्या आपको लगता है कि ऋतिक रोशन की कहीं ना कहीं इस चीज़ में गलती है, या फिर आपको क्या लगता है ऋतिक इस चीज़ पर क्या रिएक्ट करेंगे? जो भी आपके व्यूज़ हैं, कमेंट सेक्शन है आपका, व्यूज़ अपने बताइए कमेंट सेक्शन में. एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल मूवीज अड्डा. दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ.